तो मेरे प्यारे, सात दिन सात रात्रि तक कन्हैया ने गिरिराज पर्वत अपनी कनिष्ठ की उंगली पे धारण करके रखा। सातवें दिन से गिरिराज, जब देवराज इंद्र ने देखा कि कुछ नहीं हुआ वहां, तो बृहस्पति की शरण में, अपने गुरु की शरण में गए और गुरु की शरण में जाकर ये पूछा, ऐसा क्यों हुआ? देखो, जीव जब अहंकारी होता है तो गुरु को त्याग देता है, और जब दुनिया में फिर फंस जाता है तो भगवान की याद आती है, गुरु की याद आती है। सच यह है कि कोई भी स्टेप उठाने से पहले पहले गुरु जी से पूछ लो कि ये सही है कि गलत है, तो फंसोगे ही नहीं, फंसते ही वहां हो। अब देवराज इंद्र ये सात दिन वर्षा करने से पहले अगर बृहस्पति जी से पूछ लेते तो क्या गुरु जी ये कहते कि आप वर्षा करो? वो तो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, वो तो कहते तुम पागल मत बनो, ये अखिल ब्रह्मांड नायक है, जाके इनके चरण छुओ, चरणों में दंडवत करो। लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर गुरु के पास न जाके अपने ही अहंकार से कह दिया ब्रज को बहा दो, और ब्रज बहाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जिसकी रक्षा जगतपति करे उसे बहा कौन सकता है, उसे मिटा कौन सकता है? जीव तभी मिटेगा जब भगवान मिटाएगा। गुरुजी ने कहा तुम जानते नहीं हो, अखिल ब्रह्मांड नायक है, हम सबका ये जो कंस का पाप है, पृथ्वी पे जो बोझ है, उस भार को कम करने के लिए जगतपति का अवतार हुआ है और तुम ऐसे करते हो। तब देवराज इंद्र कामधेनु गाय को आगे करके भगवान श्याम सुंदर की शरण में गए, क्षमा याचना करने लगे, त्राहिमाम 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 करने लगे। तब भगवान ने उनको एक क्षण में क्षमा कर दिया, एक क्षण भी विलंब नहीं किया। जैसे ही जीव भगवान की शरण में जाता है, एक क्षण में भगवान क्षमा कर देते हैं। पर जीव जाए तो, जीव को जाना चाहिए, जीव जाता नहीं है, जीव भटक जाता है और वहीं वो जीव कष्ट पाता है। कब भटक जाता है? जब कुसंग मिलता है। क्या मिलता है सर, जोर से बोलिए। जितने भी युवा बैठे हैं, आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, आप अपना संग सुधार लो, आपकी किस्मत सुधर जाएगी। अगर आपका संग नहीं सुधरा तो आपकी किस्मत कभी सुधर नहीं सकती। पैसे आ जाने से कोई किस्मत वाला नहीं हो जाता। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, नाहर के मूछन बसे, सुनेंगे जरा ध्यान से, नाहर के मूछन बसे, मस्तक बसे भुजंग, बिच्छू के पूछन बसे, दुर्जन के सब अंग। अब इसका हिंदी अनुवाद करूंगा तभी समझ में आएगा। सिंह की मूछों में विष होता है, सिंह की मूछों में विष होता है, सर्प के मुख में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, और दुष्ट के हर एक अंग में विष होता है। जो दुष्ट होता है उसके अंग अंग में विष होता है, उसके बोलने में विष होता है, उसके कर्म करने में विष होता है, उसके देखने में भी विष होता है, उसकी सलाह में भी विष होता है। जहां से तुम्हारा सर्वनाश हो जाए उसके पास सब औषधि है, चलना फिरना उठना बोलना गाना सब उसमें विष युक्त है। दुर्जन के सब अंग, हर एक अंग अंग में उसके विष है। इसलिए दुर्जनों का मतलब दुष्टों का, बुरे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। और जब आप अच्छे लोगों का संग करते हैं तो विष नहीं अमृत की वर्षा होती है, और जब बुरे लोगों का संग करते हैं तो अमृत की नहीं विष की वर्षा होती है। एक बात बताएं, अपना अच्छा अपना बुरा तुम ही को करना पड़ेगा, और कोई नहीं है। आप ही को यह सोचना होगा कि तुम्हारे लिए फिट क्या है और अनफिट क्या है, भला क्या है और बुरा क्या है। तो सबसे पहली बात, बुरे लोगों का संग त्याग दो।
बुरे लोगों का संग मत कर। जहां से विचार दूषित हो जाए, जहां से कर्म दूषित हो जाए, ऐसे लोगों का कभी संग मत कर। अगर आप ऐसे लोगों का संग करते हो तो आप अपने लिए विष की नदियां अपने हाथ से बनाते हो, ये ध्यान रखेंगे आप। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने एक क्षण में उन्हें क्षमा कर दिया और उसके बाद में अनेकों लीलाएं ब्रज में करते हैं। और एक लीला जो हमें बहुत प्रिय है, ब्रज की गोपियां व्रत करती हैं और व्रत करके कात्यायनी देवी से मांगती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। कात्यायनी देवी की पूजा करके वो कहती हैं, नंद कुमार हमें पति के रूप में प्राप्त हो, पति के रूप में। अब बालक नंद कुमार कितने साल के, बोले 5.5 साल के, और ये कन्याएं जो व्रत कर रही हैं, कोई 16 साल की, कोई 10 साल की, कोई 12 साल की, कोई 25 साल की, और तो और कई बूढ़ी भी 80 साल की 90 साल तक की कन्या देवियां रास में सम्मिलित हुई हैं 90 साल की। और जब वो 90 साल की हैं तो उस रास में जिसके इर्द गिर्द ये रास हो रहा है, जिसके लिए ये रास हो रहा है, वो श्याम सुंदर 6.5 साल के, 6.5 से 7 साल, और 6 महीने तक लगातार वो रास चला। अब बताइए वो ऐसा कौन सा दिव्य पवित्र पुरुष होगा जिसके लिए 90 साल की बुढ़िया भी रास में सम्मिलित है। अब कोर्स वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता। 20 साल की बच्ची क्या 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को अपना बॉयफ्रेंड स्वीकार करेगी, हस्बैंड स्वीकार करेगी? नहीं। मैं एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो मेरे कृष्ण पर शक की नजर रखते हैं, जो जानते नहीं रास कहते किसको, जिन्हें मालूम ही नहीं रास क्या है। रसा नाम समूह रास रस रे और रास, रास है क्या बताइए, बताइए रास क्या है, मालूम है? हम अपने पति के साथ नृत्य करते तो उसे रास क्यों नहीं कहते, उसे भी रास कह लो, क्या वो रास है? नहीं है, वो रास नहीं है। तो वो रास यहां पर मैं हमेशा बार बार कह रहा हूं, युवा भाई बहन ध्यान से सुने, गीता वाला कृष्ण हम भक्तों के हृदय में नहीं रह पाता है, हमारे हृदय में वृंदावन वाला ही कृष्ण विराजता है।